टू अवर चैनल तो जैसे कि आज नोटिफिकेशन आ चुका है फरवरी के महीने में ही जो कि हमारा जक़ात फाउंडेशन ऑफ फा। इंडिया का है बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर कब आएगा नोटिफिकेशन तो वैस देखो फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ गया है फाइव में इसका नोटिफिकेशन आया और अप्रैल यहाँ देखो इन्होंने डेडलाइन पहले ही मैंशन कर दी है अप्लीकेशन डेड अप्रैल थर्टी टू थाउजेंड तक भाई आपकी अप्लीकेशन फॉर्म भरने का खत्म हो जाएगा टाइम तो इस बात का तो खास ध्यान रखना है आपको कि ये इतना डेडलाइन तक नहीं करना जितनी जल्दी हो सके भर दो ठीक है एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है ठीक है ये रहा लिंक सीधा यहाँ जाके आपको करेंगे क्लिक करेंगे तो आप सीधा पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो ये इसका आया है अब जब यह ट्वेंटी ट्वेंटी में आपका एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पर देखो इन्होंने मैंशन कर दिया रूल्स तो एंड एप्लीकेशन पर फॉर सिलेक्शन ऑफ जेड एफ्ल टू सिविल सर्विस एग्जाम ऑफ टू मतलब अब जो टू में ये आपको वो देंगे कोचिंग मतलब इसका कि टू में जो बच्चे बैठेंगे प्रलिम्स में या फिल्म के मीन इंटरव्यू में बैठने वाले तो उनके लिए ये होने वाला है ओके लेकिन जो है इसका आपको एंट्रेंस अभी बढ़ेगा अब बात करते हैं यहाँ पर इनकी क्या मतलब कि कंडीशंस है थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने वही बताया है कि मतलब अपने बारे में थोड़ा सा इन्होंने अवेयर कराया कि मतलब कि यहाँ पर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी कंडक्ट कराता है सेम उसी बेस पे इनका भी पूरा है और यह इन्होंने अपने सेंटर्स के नाम बता दिए दिल्ली श्रीनगर मालमपुरम कोलकाता लखनऊ भोपाल वडोदरा औरंगाबाद ये सब है ना और डेट्स जो वेन्यूज़ हैं अभी वो अनाउंस होंगी ओके अभी बस ये आपका एक नोटिफिकेशन आया है बस थोड़ा बहुत जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं ओके एग्ज़ाम की जो डेट

मतलब कि ग्रेजुएट होना चाहिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ये एज लिमिट उन्होंने दे दी है और देखिए अपर एज लिमिट में भी यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है उन कैंडिडेट्स को जो ओबीसी से हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं या फिर एसटी एससी एसटीज़ है ओके okay? और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और मैंशन करी है हैव अर्लियर क्वालिफाइड द प्लेम्स ऑफ यू पी एस सी सिविल सर्विस और स्टेट पी सी एस ये देखिए उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने कभी लाइफ में या तो प्लेम्स निकाला यू पी एस सी का या किसी स्टेट पी सी एस का तो उन लोगों को भी एलिजिबल है वो लोग भले ही ये चीज़ नहीं हुई है उनकी ओके okay? नो मॉलिटी अलाउंस दैट इज फॉर अपेयरिंग दैट कोई आपको यहाँ पर पैसे देने की जरूरत नहीं है टेस्ट में इंटरव्यू में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है ओके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कैंडिडेट हैव टू अपेयर इन इंग्लिश मीडियम फॉर रिटन टेस्ट ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में होगा आपका जो एंट्रेंस होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा फॉर रिटर्न टेस्ट वन आवर फिफ्टीन मिनट्स का और इंटरव्यू भी होगा आपका ठीक है रिटर्न में आपका जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस फिल्म एग्जाम मतलब जो सिलेबस आपका जनरल स्टडीज़ का यू के लिए है एप्टीट्यूड के लिए है वही सेम रहने वाला है और ऐसे आपका आएगा डेढ़ वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ओके इंटरव्यू ऑफ दोज कैंडिडेट हु सक्सीड इन द रिटर्न टेस्ट अब जो लोग सक्सीड कर जाएंगे रिटर्न टेस्ट पास कर लेंगे फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ओके तो ये इनकी यहाँ पर कंडीशन है प्लीज़ यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि क्या क्या चाहिए वन रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा आपको एडमिट कार्ड दैट रिसीव फ्रॉम थ्रू ई मेल फ्रॉम जेड एफ आई आपको ई मेल भेजेगा अगर आप फॉर्म भरेंगे तब एंड सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ही आपको डेट वगैरह भी प्रॉपर मैंशन हो जाएगी कि कब एग्जाम होने वाला है ऑल्सो ब्रिंग ब्रिंग अ गवर्नमेंट इशूड आई डी प्रूफ ठीक है जो भी आई डी प्रूफ है आपको वो भी रखनी होगी अपने साथ आधार कार्ड इलेक्शन सॉरी इलेक्शन कार्ड पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है दो जो अब जो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए भी इन्होंने कुछ कंडीशन रखी हैं जो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें जेड एफ आई का ऑफिस जो है वो जंगपुरा में जो है मथुरा रोड पे तो वहाँ जाना होगा ठीक है इन जुलाई 2020 में ऑन द डेट टू बी नोटिफाइड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट जब आ जाएगी कि हाँ भाई ये बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा यहाँ पर और डिपॉजिट deposit, डिपॉजिटिंग करनी होगी यहाँ पर देखिए यहाँ आप क्या क्या डिपॉजिट करना है थोड़ा सा देख लेते हैं टू डिपॉजिट ऑल देयर ऑरजिनल मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज विद जेड ओके सारी जो ऑरिजिनल है वो आपको वहाँ जमा कराना पड़ेगा फ्रॉम मेट्रिकुलेशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और टेंथ से लेकर आपको सारे दिखाने दिएगा दिस विल भी रिटेरमेंट ऑन आफ्टर जुलाई फर्स्ट थर्टी फर्स्ट ऑफ द ईयर दैट फर्स्ट टू ईय आफ्टर द ईयर डूइंग विच डूंग सेलेक्टेड फेलो ज्वाइन द जेडाफाई ओके मतलब यहाँ यही कह रहा है कि मतलब कि ये फिर आपको रिटर्न करा जाएगा दो साल के बाद आई थिंक जब तक आप वहाँ पर रहेंगे ठीक है जब तक आप वहाँ पर रहेंगे तब तक आपको वहाँ रहना पड़ेगा तो ये आपके वहाँ डॉक्यूमेंट रहेंगे उसके बाद आपको ये दिए जाएंगे ताकि आप वहां पर रह कर पढ़ाई कर सकें इफ फॉर एनी रीजन कैंडिडेट नीड्स दट एनी डिग्री टू रिटर्न हम और एलियर दर अमाउंटिंग इंक्लूडिंग द वे ऑफ सब्सिडाइजेशन ऑन हज हर कोचिंग रिफंडेड बाई हिम और हर टू जेडाफाई बिफोर एनी ऑफ़ द डिग्री कैन रिटर्न टू हम और हर ऑल्सो पर दिस एप्लीकेशन इमलेट एडवांस देखो ये इसलिए इसलिए वो लोग लो इस करते हैं कि मतलब बच्चे फिर क्या होते हैं ना मतलब कि कोचिंग वो लेते नहीं है प्रॉपर तरीके से मान लो अगर उन्होंने वालों ने करा भी दिया जकत फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एडमिशन करा भी दिया तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते लेकर के वो भाग जाते हैं तो इसलिए वो एक एक मतलब सिक्योरिटी के लिए वो अपना डिग्रीज जो होती हैं वो सर्टिफिकेट हम अपने पास रखते हैं जब तक बच्चा उनके पास रहेगा ठीक है वो कुछ कंडीशन है अगर नहीं अगर आप जाना चाह रहे हो जल्दी जाना आपको डिग्री सर्टिफिकेट तो तभी मिल पाएंगे जब आप जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा आप वापस जमा कराएं ठीक है।, है तो इसलिए जो भी जाए तो भाई सोच समझ के जाना अगर आपको ऐसा सही लगे अगर आपको लगे कि हाँ मैं, मैं डेढ़ दो साल के लिए रह सकता हूं बंद के पढ़ाई कर सकता हूं मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है तो गाइज तभी जाना वरना फिर रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है फिर आप कहां से लाओगे पैसे ठीक है दो पासपोर्ट साइज़ आपको रखनी पड़ेगी फोटो फोटो और कॉपी गवर्नमेंट इशूड ये मैंने आपको जो बताया था वो सब चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है कि कितना खर्चा होगा यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर देखो कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर इनके हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा क्या बॉयज़ क्या गर्ल्स ठीक है दोनों को यहाँ दिल्ली में जो हॉस्टल है इनका वहाँ पर ही आपको रहना पड़ेगा वहीं रह कर पढ़ाई करनी पड़ेगी और हॉस्टल फीस जो होगी आपकी मेल जो है वो दो हज़ार पर मंथ की है ठीक है दो हज़ार आपको पर मंथ पे करनी पड़ेगी ओके अगर अगर आप फुल मतलब हॉस्टल फीस देखें चौबीस मंथ यानी कि दो साल के लिए देखें तो अड़तालीस हज़ार रुपये टोल बैठ जाता है वी हैव टू डिपॉजिट इडवान्स ओ ओ मतलब आपको पहले से ही एडवांस में जमा कराने पड़ेंगे सारे पैसे ठीक है हर मंथ नहीं दे सकते आपको पूरा एडवांस में जमा कराने पड़ेंगे द किचन इज मेल हॉस्टल इक्विडन कुकिंग स्टाफ वन ऑफ दिन मतलब वहीं पर यह है कि खाने पीने का वही सब कता होगा कि जो बच्चे होंगे उनमें से एक को किसी को मॉनिटर बना दिया जाएगा वही देखेगा कि सबके सब लोग क्या खाना चाहते हैं क्या बनना चाहिए वो उसी हिसाब से बन जाएगा ठीक है और ये सब यहाँ पर वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा इन एडिशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बिफोर ज्वाइनिंग इच कैन यू विल हैव टू डिपोजिटि एन अमाउंट ऑफ रुपीज पच्चीस हज़ार एज अक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न एबल आफ्टर जुलाई थर्टी वन ऑफ द ईयर दट फॉल्स टू ईर आफ्ट द ड्यूरिंग दिज जोइन अच्छा भाई मतलब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी मतलब पच्चीस हज़ार रुपये यहाँ पर आपको जमा भी कराना पड़ेंगे जो कि आपको दो साल के बाद मिलेंगे एज अ सिक्योरिटी जमा कराना पड़ेंगे कि मतलब अगर वो लोग आपको कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं तो आप कोचिंग छोड़ के नहीं भागेंगे और कोचिंग को प्रॉपर से करेंगे इस वजह से ये वो लोग ये सब कर रहे हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट बट एज अ मतलब स्टूडेंट मैं अगर सोचूं तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा लेना चाहेगा तो इसमें इसमें एक मुझे एक खामी लगती है कि मतलब अब जो नॉर्मल बच्चा है मान लो जो बच्चा इसके लिए तैयारी कर रहा है ज़ाहिर सी बात है उसके लिए पैसा नहीं है उसके पास पैसा, पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो वो अड़तालीस हज़ार रुपये कहाँ से दे पाएगा एक बार में ठीक है चलो एक पल के लिए समझ में आता है दो हज़ार पर मंथ देना है तो मंथ का वो कैसे कैसे करके कर भी लेगा थोड़ा बहुत काम वाम करके या पेरेंट्स कर देंगे पर ये थोड़ा इसमें मुझे ड्रॉबैक टाइप लगता है कि मतलब ये इन्हें थोड़ा इस चीज़ को सही करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार में आप फीस ले रहे हैं और फिर मतलब बाई चांस बच्चा उतना कैपेबल नहीं है बहुत ही गरीब उससे आ रहा है तबके से उठ के तो ये चीज़ को समझना चाहिए इन्हें और देखिए और एफिडे से रिलेटेड इन्होंने बोल दिया कि जो भी बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उन्हें एक एफिडेविट देना पड़ेगा और ये जो सब बारी जो इनकी शर्तें हैं उसको उसमें लिख के ये मैंशन करेगा हाँ मैं एग्री हूँ ओके फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर कोचिंग ठीक है यहाँ पर ये लोग कोचिंग के लिए आपको सारा पे करेंगे ओके okay? यहाँ पर इन्होंने सारा मैंशन कर दिया और इसमें ऐसा भी शायद ऑप्शन है दोज ब्राइट कंडीजन हु डू नॉट मेक इट टू द जेड अफाइज मेरिट लिस्ट कैन ऑल्सो भी कंसिडर फॉर एडमिशन बाय जेड अगेंस्ट अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फुल नॉन सब्सिडाइज कोचिंग फी फॉर रुपीज डेढ़ लाख ठीक है यहाँ पर अगर आप देखो इसमें ये अगर कोचिंग भी लेना चाहते हो ना तो सिर्फ आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर आपने टेस्ट दिया है लेकिन नहीं हो पाया सिलेक्शन तो आप ये कर सकते हैं कि डेढ़ लाख रुपए दे करके पूरा यहाँ पर रह भी सकते हैं और फिर वहाँ पर आप कोचिंग भी ले सकते हैं उसी के अंडर में मोड ऑफ़ पेमेंट यहाँ पर वही सब इन्होंने बता रखा है मोड ऑफ़ पेमेंट जो होगा हो वो आपका बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जाना चाहिए ठीक है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट होगी आपकी ओके और यहाँ पर और सब ये लिखा है मोड ऑफ पेमेंट हो गया जेड एफ आई डिसीजन इथ फायलिंग बाई अपलाइंग फॉर जेड एफ इज फेलोशिप द कैंडिडेट इज प्रज्यूम टू हैव एक्सेप्टेड द कंडीशन ऑफ जेड एफ फलोशिप एंड इज टू हैव अ टूवीन एफ एम इन ऑल मैटर द डिसीजन ऑफ अ जेड एफ आई शेल बी फाइल एंड बाइंडिंग ऑन हिम देखो हाँ यहाँ पर वही है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा उसमें ये मैंशन करते हुए कि हाँ भाई जितनी भी बातें हैं जेड एफ आई की मैं उस पर एग्री करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको बात करनी पड़ेगी यहाँ पर इन्होंने ये मैंशन करा है और यहां पर यह क्या लिखा है इन केस अ कैंडिडेट आफ्टर हिज आर ओवर रिफ्यूज टू कंप्लाई विद एनी ऑफ दिस रिक्वायरमेंट हिज सिक्योरिटी विद मे बी फॉरफिटेड इन एडिशन टू एनी अदर फाइन पेनल्टी जोन ऑफर बी डिवीजन ठीक है देखो इसमें इन्होंने ये, ये बोला है कि अगर कोई बच्चा मतलब कि वहाँ पर मतलब कि अपना सिक्योरिट डिपॉजिट नहीं करता है या कुछ भी मतलब कि वहाँ पर हरकत करता है उल्टी वल्टी या फिर रिफ्यूज कर देता है ट्यूशन लेने से मतलब कोचिंग जाने से मना कर देता है या फिर चला जाता है तो उसका जो पैसा डिपॉजिट वाला वो वो भी रख लेंगे वो रख लेंगे वो वापस नहीं मिलेगा तो एक तरीके से ये सही है कि मतलब उन्होंने इस रिस्क को रोकने के लिए कराया कि मतलब कि बच्चे छोड़ छोड़ के नाम बें पर वो ऐसा भी कर सकते थे ना मतलब जो बच्चा पंद्रह दिन कोचिंग ना जाता जैसे उसमें था जय भीम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जो योजना योज है दिल्ली में उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर बच्चा पंद्रह दिन नहीं जाएगा कोचिंग तो उसका नाम काट के किसी और जो सीरियस स्टूडेंट है उसको दे दिया जाएगा तो ये चीज़ सही है और मतलब ऐसे ही होना चाहिए बट अब तुम पैसे बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहे हैं कि मतलब बच्चों से बहुत ज़्यादा कहाँ से लाएगा गरीब बच्चा इतना पर ये है कि जो है गाइस मैंने आपको बता दिया दखात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में ये, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं ओके ये सब चीज़ें इसमें चाहिए और एक इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है वो भी आपको फिर क्लियर करना पड़ता है रिटर्न टेस्ट क्लियर करने के बाद तो ये नोटिफिकेशन आ गई है गाइस ओके बहुत ही जल्द अगर आप इसे फॉर्म को भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको ई आ जाएगा उस पर आपको बता देंगे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है कहाँ होने वाला है जो सेंटर बनेंगे आप उस पर ही होगा ओके गाइज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियो को और इन वीडियो को प्लीज़ जरूर शेयर करें जो भी नीडियो स्टूडेंट हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे हो सकता है कोई नीडी स्टूडेंट इस पर ले करके आगे कोचिंग ले ले और कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय